हेलो फ्रेंड्स, ससी मिश्रा किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ जो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। वो रेसिपी है रबड़ी फुल्की। रबड़ी फुल्की बनाने के लिए यहाँ पर मैंने फुल फैट दूध लिया है, जिससे रबड़ी बनाकर तैयार करेंगे। और ये फुल्की बनाएंगे जिससे ये है मैदा, चीनी रबड़ी में डालने के लिए, और रबड़ी में हम ऊपर से गार्निशिंग के लिए मैंने कुछ चॉप किए हुए बादाम लिए हैं, और ये है काजू बादाम जो हम रबड़ी में डालेंगे। मोइन करने के लिए घी, पानी, इलायची पाउडर, थोड़ा सा एक पिंच नमक। तो सबसे पहले हम रबड़ी बनाकर तैयार करेंगे। हमारी रबड़ी तैयार हो रही है, तब तक हम आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। इसको रेस्ट होने में भी 30 मिनट लगेगा। 30 मिनट में रबड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। तो हम आटे के बीच में एक कुआं सा बना देंगे और उसमें डालेंगे देसी घी। देसी घी बिल्कुल मेजरमेंट करके लेना है। ये जो है 1/4 कप है मेल्टेड घी लेंगे और इसको अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। और ये है नमक एक पिंच, और अच्छे से इसे मिक्स करें। तब तक इसे हमें मसलना है जब तक कि ये हाथ में अच्छे से बाइंड होकर गोल गोल लड्डू की तरह ना बनने लगे। ये अच्छे से हमारा जो आटा है अच्छे से मोइन हो चुका है। घी डालने के बाद हम हाथ से चारों तरफ से घुमाते हुए इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि जो घी है अच्छे से आटे में या मैदे में मिक्स हो जाए। और जब ये बाइंड होने लगे हाथ में, तो समझ लें कि हमारा जो आटा है डो के लिए रेडी है। तो ये भी, ये देखिए अच्छे से बाइंड हो रहा है। अब हम समझ लेंगे कि हमारा बिल्कुल ये जो मिक्सचर है अच्छे से तैयार है। अब इसमें हम धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे आटा लगाने के लिए। अगर एक ही बार सारा पानी डाल दिए तो डो हमारा गीला हो जाएगा। हमें गीला डो नहीं बनाना है, थोड़ा सा सख्त बनाएंगे। जैसे हम पूड़ी के लिए आटा लगाते हैं उसे थोड़ा सा हार्ड लगाएंगे। और आटा को हमें जोड़ना है, जैसे हम रोटी बनाने के लिए आटा लगाते हैं वैसे हमें चिकना डो नहीं बनाना है और मसल मसल कर डो नहीं बनाना है। बिल्कुल आटे को इकट्ठा करना है पानी के साथ, उस टाइप का हमें डो तैयार करना है। वैसे ही थोड़ा थोड़ा पानी लेकर हम डो तैयार करेंगे। ये देखिए हमारा आटा, इस टाइप का हमें आटा लगाना है, चिकना नहीं करना है। तो इसे अब हम रखेंगे गीले कपड़े से ढक कर 30 मिनट के लिए। तो मैं भी यहाँ पर रख रही हूँ 30 मिनट के लिए। तब तक हम रबड़ी को चेक कर लेते हैं। इसमें पानी हमारा आधा कप से भी कम लगा है आटा लगाने में। चलिए रबड़ी को देख लेते हैं। दूध को हमें उबालना है, उबाल कर गाढ़ा करना है। जैसे हम रबड़ी बनाते हैं वैसे ही गाढ़ा करना है दूध को। बिल्कुल गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और इसे ध्यान रहे चलाते रहें, नहीं तो ये नीचे से अगर तले में पकड़ लिया तो जल जाएगा। तो इसकी कुछ इसका जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं आएगा। इसे चलाते रहें। अगर आपके पास टाइम नहीं है, कहीं कोई काम करना है, तो बिल्कुल गैस का जो फ्लेम है लो कर दें। और इसी तरह करते करते इसे हमें गाढ़ा कर लेना है। तो गाढ़ा हो गया है, रबड़ी तैयार है। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। चीनी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। रबड़ी तो ऐसे ज़्यादा मीठा नहीं होता है, लेकिन आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये है ड्राई फ्रूट्स, बादाम और काजू कटे हुए, और डालेंगे इसमें इलायची पाउडर। ये भी अच्छे से घुल चुकी है। अब गैस का फ्लेम जो है बिल्कुल बंद कर देंगे, क्योंकि ये ठंडी जब होगी रबड़ी तो गाढ़ी भी होती है। अभी थोड़ी सी हल्की पतली है, लेकिन फिर भी तैयार है। अब गैस ऑफ कर देंगे, ठंडा करेंगे, उसके बाद हम बनाएंगे। ठंडा होने के बाद इसे हम रखेंगे थोड़ी देर फ्रिज में 10 मिनट के लिए। अब चलिए हम देखते हैं हमारा आटा अगर तैयार हो गया है तो फिर आगे की तैयारी कर लेते हैं। चलिए आधे घंटे हो चुके हैं, देख लेते हैं डो को। डो बिल्कुल देखिए अच्छे से सेट हो चुका है, और इसे ये देखिए इसका टेक्सचर। तो हमें बिल्कुल ये ध्यान रखना है कि जैसे हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं वैसे हमें आटा नहीं लगाना है। बिल्कुल जैसे मैंने ये देखो लगा कर दिखाया है वैसे ही लगाना है। अब इसे थोड़ा हम 1 से 2 मिनट अच्छे से हाथ से थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे। पहले हार्ड था, ये देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है आटा। तो इसीलिए पहले ध्यान रखें, पहले का जो आटा हमें लगा कर तैयार करना है वो थोड़ा हार्ड रहेगा। 30 मिनट में ये सॉफ्ट हो जाता है। पहले ही अगर इसे सॉफ्ट कर देंगे तो बाद में आधे घंटे में ये तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। तो हमारी जो पूड़ी या कचौड़ी हम बना रहे हैं या गुजिया बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो वो फूलेंगे नहीं, बिल्कुल रोटी की तरह वो मुलायम से सॉफ्ट से बनेंगे। तो इसीलिए ध्यान रखें, पहले आटा जो हम लगाएं वो एकदम हार्ड लगाएं।
अच्छा, इसे सॉफ्ट कर लिया है, अब इसे हमें टुकड़ों में काट लेना है। और इसे हमें गोल करके फिर रोटी की तरह बेल लेना है। फिर रोटी का जो हम लोई बनाते हैं ना गोल गोल पेड़े की तरह, वैसे ही बनाएंगे। थोड़ा सा बेलन में घी लगा लेंगे ताकि ये चिपके नहीं, और इस पर भी लगा लेंगे। और इसे हमें अच्छे से रोटी की तरह बेल कर तैयार करना है। इसे रोटी की तरह बेलेंगे। और ज़्यादा पतला नहीं बेलना है हमें, थोड़ा मोटा ही रखना है। ग्लास लेंगे, इसे काटेंगे। इससे काटने से इसका शेप जो है बहुत ही अच्छा आएगा। ये देखिए, ऐसे ही हम सारी पूड़ियाँ ऐसे बनाकर तैयार करेंगे। साइज की 4 पूड़ियाँ बेल ली है, यानी ग्लास से काट लिया है। अब इसे हम करेंगे फ्राई। तो चलिए फ्राई करते हैं। कढ़ाई में तेल रखा हुआ है, तेल अच्छे से गर्म हो गया है। ध्यान रहे, हाई फ्लेम पे तेल नहीं गर्म करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर ही तेल को गर्म करना है। जब हम पूड़ी को डालेंगे इसमें तलने के लिए, तब बीच में मीडियम फ्लेम करेंगे, हाई पर नहीं फ्राई करना, नहीं तो पूड़ी हमारी अच्छे बिल्कुल जल जाएगी। अच्छे से ये फूल चुकी है, अब इसे हम दूसरी तरफ से पलट देंगे। और फिर हमारी जो दूसरी पूड़ी है उसको भी हम आराम से डालेंगे। अगर कढ़ाई छोटी है तो 2 या 1 डालें। ठीक है, दूसरी तरफ से इसे पलट देंगे। और बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इन पूड़ियों को फ्राई करना है। कि अच्छे से ये गोल्डन ब्राउन हो गई हैं, अब इन्हें निकाल लेंगे। और जो सारी पूड़ियाँ मैंने जो 2 बेल कर रखी है उसको भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, फुल्की रेडी है। अब इसमें हमें स्टफिंग भरना है, तो इसके लिए मैंने ये जो रबड़ी आपको बनाकर दिखाई थी, ये है, ये डालेंगे। और ये है लड्डू मोतीचूर के। आपके पास अगर बूंदी नहीं है, बूंदी से भी बहुत अच्छा लगेगा। अगर बूंदी नहीं है, अगर आपके पास लड्डू पड़े हैं घर में, तो इससे भी आप इसे तैयार कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अच्छे से इसे तोड़कर ले लिया है। चाकू की सहायता से इसे हमें गोल गोल तोड़ लेना है चारों तरफ से। देखिए, मैंने चाकू से अच्छे से इसे तोड़ दिया है। अब इसमें हम डालेंगे ये हमारा बूंदी या लड्डू, बूंदी का। मैंने इसमें अच्छे से ये डाल दिया है। अब डालेंगे इसमें हम रबड़ी। और थोड़े से कटे हुए बादाम से गार्निश कर देंगे। आप चाहें तो सिल्वर वर्क भी लगा सकते हैं। और थोड़े से ये ऊपर से बूंदी भी डाल देंगे। तो लीजिए, रबड़ी फुल्की रेडी है। अभी अपने घर में इसे ज़रूर बनाइए। कमेंट करके बताइए कि आज की रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।